वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास दो का सी। इसके पहले के सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है, आज हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें 468 में शून्य का गुणा करना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रगुण लगेगा वो कौन सा लगेगा, शून्य का गुणन प्रगुण। कौन सा लगेगा, शून्य का गुणन प्रगुण जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। इसमें हमें क्या करना था, किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या होता है, शून्य। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, शून्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अपनी अभ्यास, सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, 8976 में गुणा करना है 5432 का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5432 और उसके बाद से यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि उसमें हम किसका गुणा करें। ठीक है, तो यहां पर हमारा लगेगा गुणा का क्रम विनिमेय गुण। कौन सा गुण लगेगा, गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण लगेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे 3 × 5 बराबर होता है 5 × 3 की। तो देखिए यहां पर इन्होंने इस संख्या को यहां लिख दिया है, तो ये वाली जो संख्या है वो यहां हम फिलअप कर देंगे। तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, 8976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पर फिर से हमारा सेम क्वेश्चन है और हमें 8973 में 1 का गुणा करना है। तो यहां पर हमारा कौन सा प्रगुण लगेगा, यहां पर हमारा लगेगा तत्समय अवयव वाला। ठीक है, तत्समय अवयव का प्रगुण लगेगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 1 जो है वो गुणन के लिए तत्समय अवयव होता है। तो 1 से यदि हम किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो हमें सेम वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर हमारी सेम वही संख्या आ जाएगी, 8973। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है निम्नलिखित गुणनफल का उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर हमें उचित प्रगुण का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट देखिए, 4 × 2834 × 25। बच्चों यहाँ हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे क्रम विनिमेय प्रगुण। कौन सा प्रगुण लगाएंगे, क्रम विनिमेय प्रगुण। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, इससे हमारा हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, 2834 × 4 और × 25। अब सेकेंड स्टेप में हम लगाएंगे बच्चों साहचर्य का प्रगुण। साहचर्य का प्रगुण क्या कहता है कि 2 का ग्रुप बना लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे 4 × 25 का। तो 25 × 4 क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए ये सेम उतर जाएगा और पीछे हम 2 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, 283,400। तो यहां पर हमने 2 प्रगुणों का यूज किया, पहला हमने किया क्रम विनिमेय और दूसरा हमने किया साहचर्य प्रगुण। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, देखिए 5 × 665 × 80। तो यहां पर भी हम फर्स्ट स्टेप में क्या लगाएंगे, क्रम विनिमेय का प्रगुण लगाएंगे और इससे हम क्या करेंगे, क्रम को बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 658 × 80 × 5। क्रम बदल दिया हमने, क्रम बदलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लगाएंगे साहचर्य प्रगुण। साहचर्य लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को एक ग्रुप में कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 658 × 8 × 5 = 40 400। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 शून्य पहले उतार लेंगे पीछे, 4 से गुणा करेंगे, 4 × 32 = 2, यहां से लगा 3, 4 × 5 = 20, 3 × 23 = 3, 2 आंसर लगा, 6 × 24 = 25 = 26। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 263,200।
नेक्स्ट हमारा देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्रम बिनी में कर लेंगे, क्रम बिनी में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4837 गुणे 25 गुणे 40। नेक्स्ट में हम लगाएंगे साहचर्य, यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे बच्चों हम साहचर्य में 25 गुणे 40 का, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा 4837 गुणे, ये आपका हो जाएगा 25 चौका 100 और ये 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4837 और उसके पीछे 1230, तो आंसर क्या हो गया हमारा देखिए 48,37,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वितरण प्रगुण लगाना है बच्चों, गुणे 1000 + 8 और इसका ग्रुप बना देंगे 487 × 1000 + 487 × 8। यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों देखिए 487000, ठीक इधर आ गया, इधर हमारा हो जाएगा हम गुणा कर लेंगे तो 7 × 56 = 6, हासिल लगा 5, 8 × 28 = 64 और 5 आपका हो गया 69 × 9, हासिल लगा 6, 4 × 32 = 38। अब हम जोड़ देंगे तो देखिए इधर आ जाएगा आपका 6, 9, 8 फिर 7, 3, 10 = 0, हासिल लगा 1, तो ये आ गया आपका आंसर 4,90,896। तो इस तरह से वितरण प्रगुण का इस्तेमाल करके बच्चों हमने इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट अपने उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें वितरण प्रगुण लगाना है, तो जो हजार के पास है हम उसी पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इस पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 √2, ठीक है ब्रैकेट में और फिर इसके बाद गुड़े 436, तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 × 436 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए 436 × 2। अब 2 × 436 लिखिए या 4 × 236, 436 × 2 लिखिए या 2 × 436, बच्चों बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा देखिए ये हो जाएगा हमारा 4, 3, 6 और 1, 2, 3, 0 माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा 872। तो देखिए आंसर हमारा आ गया 4,35,128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये 100 के नियर अबाउट है तो हम इसको ही तोड़ेंगे, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6,754 गुड़े ब्रैकेट में 100 माइनस 6, तो देखिए यहाँ हमारा आ जाएगा इधर हो जाएगा आपका 6,754 गुड़े 100 माइनस 6,754 गुड़े 6, यहाँ हमारा हो जाएगा 6,7,5,4,20 माइनस इधर हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा देखिए 40,524। जब हम इसमें गुणा करेंगे बच्चों 6,754 में 6 से तो आ जाएगा हमारा 40,524, हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों देखिए 6,34,876, देखिए 26,478 × 106, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26,478 गुड़े ब्रैकेट में 100 + 6, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 26,478 × 100 + 26,478 × 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पे आ जाएगा 26,478 + 20 जोड़ देंगे प्लस 8 × 48 = 8, हासिल लगा 4, 6 × 7 = 42, 42 × 4 = 46, 46 × 6 हासिल लगा 4, 6 × 24 = 24, 24 × 4 = 28, हासिल लगा 2, 6 × 36 = 37, 37 × 38 = 8, हासिल लगा 3, 6 × 6 = 12, 3 = 15, तो ये आ गया बच्चों हमारा 1,58,868। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ गया 8
फिर ये हो गया 6, 8, 8, 16 के 6 यहां से लगा एक, फिर 8, 8, 16 के 6 यहां से लगा एक, 5, 4, 9, 1, 10 के 0 यहां से लगा एक, 6, 1, 7 और एक हो गया यहां से 8 और 2। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 28,06,600। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। यहां पर हमारा ये अभ्यास खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।